आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स हियर क्वेश्चन गिवन इज सेवन पर्संस हैव देयर बर्थडे ऑन सेवन डिफरेंट डेट्स ऑफ सेवन डिफरेंट मंथ्स विथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई G has birthday on 11. Difference between the dates of birthdays of G and C is 8. The difference between the birthdays of B and F is more than 9 but less than 13 days. A's birthday is in the month having least number of days. B's birthday is in a month having 30 days c s birthday is in a month immediately after g, but in a month having thirty days f s birthday is in one of the month after c birthday. the one whose birthday is in a month having least number of days has birthday on twenty sixth difference between the dates of birthdays of c and a is not less than 10 the one whose birthday is in june has birthday on a date which is immediate after a's birthday f's birthday is on an even date the one whose birthday is in month is in May month has birthday on an odd date before the date on which B's has birthday. The difference between the birthdays of B and E is more than 30 days but less than 39 days. The difference between the dates of the birthdays of day D and A is same as the difference between the डेट्स ऑफ द बर्थडेज ऑफ ए एंड ई फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है जिस पे फर्स्ट वाले सेक्शन पे हम पर्सन को लिखते हैं सेकंड वाले सेक्शन पे हम मंथ्स को लिखेंगे एंड थर्ड वाले सेक्शन पे हम बर्थ डेज को लिखते हैं अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें जनवरी से जुलाई तक के मंथ गिवन है इसलिए हम मेंशन करते हैं फर्स्टली जनवरी देन हो जाएगा फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई अब अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेवन पर्सन हैं जिनका बर्थडे जो है वह सेवन डिफरेंट डेट और सेवन डिफरेंट मंथ्स को होता है जो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई है जी का बर्थडे जो है वह इलेवन को होता है और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जी और सी के बर्थडे का डिफरेंस जो होगा वह होगा एट तो यहाँ पर जी का बर्थडे हम इलेवन को मेंशन करते हैं और डिफरेंस जी और सी के बर्थडे का वो होगा एट अब क्योंकि जी का बर्थ डेट है 11. सो so अगर हम सी का बर्थ थ्री लेंगे तब इसका डिफरेंस एट आएगा और सी का बर्थ अगर हम यहां पर नाइनटीन लेंगे तो फिर ये एट आएगा अब हम क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं कि कौन सा बर्थडे सी के लिए करेक्ट होगा थ्री और नाइनटीन देन क्वेश्चन में गिवन है कि बी और एफ के बर्थडे का जो डिफरेंस है वह मोर देन है नाइन डेज बट लेस देन है थर्टीन डेज तो यहाँ पर बी और एफ का जो बर्थडे का डिफरेंस हो गया वह मोर देन नाइन डेज है means nine हो जाएगा और लेस देन गिवन है थर्टीन डेज ए का बर्थडे जो है वह उस मंथ को होता है जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ डेज होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो फरवरी में होते हैं मीन्स ए का बर्थडे जो होगा वह फरवरी में होगा बी का बर्थडे जो है वह उस मंथ को होगा जिस पे थर्टी डेज होते हैं तो अगर हम थर्टी डेज वाला मंथ देखें तो थर्टी डेज वाला मंथ हो जाएगा अप्रैल एंड जून अब क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि सी का बर्थडे भी उस मंथ पे होता है जो कि थर्टी डेज का होता है और इसका बर्थडे जो है वह इमीडिएट जी के बाद है तो अगर हम देखें तो अप्रैल के जस्ट पहले आता है मार्च और अगर हम जून में देखें तो जून के जस्ट पहले आता है मैं मीन्स यहाँ पर बी और सी के लिए अभी हमने कंफर्म नहीं किया है कि बी और सी के लिए अप्रैल एंड जून में से कौन सा मंथ करेक्ट होगा अब एफ का बर्थडे बताया गया है सी के बर्थडे मंथ के जस्ट आफ्टर बाद means C के जस्ट बाद जो बर्थ मंथ होगा वह हो जाएगा एफ के बर्थडे का वह पर्सन जिसका बर्थडे जो है वह उस मंथ पे होता है जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ डेज होते हैं उसके लिए डेट गिवन है ट्वेंटी सिक्स मीन्स ए का जो बर्थ डेट हो गया वह हो गया ट्वेंटी सिक्स अब क्वेश्चन में यह भी गिवन था कि सी और ए के बर्थ डेट का जो डिफरेंस होगा वह टेन से लेस देन नहीं होगा तो अगर हम यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स माइनस नाइनटीन करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वह होगा सेवन जो कि लेस देन टेन है मीन्स सी की जो बर्थ डेट होगी वह नाइनटीन नहीं होगी तो करेक्ट हो गया थ्री तो सी के लिए थ्री हमने करेक्ट कर लिया वन हुज मींस वह जिसका बर्थडे जून को होता है उसकी डेट इमीडिएट आफ्टर ए के बर्थडे के है मीन्स जून पे जिस पर्सन का बर्थडे होगा वह ए के जस्ट बाद ट्वेंटी सेवन को होगा एफ का बर्थडे जो है वह इवेंट डेट पे बताया गया है और वह पर्सन जिसका बर्थडे जो है वो मई को हुआ है मई मंथ में वह एक और डेट को होगा और बिफोर होगा बी के बर्थडे के और यहाँ पर बी और ई e के बीच के का जो डिफरेंस गिवन है वह थर्टी डेज से मोर होगा बट लेस देन थर्टी नाइन होगा तो यहाँ पर हम बी एंड ई के बीच का डिफरेंस जो है वह थर्टी डेज थर्टी सिक्स से मोर करते हैं बट लेस होगा थर्टी नाइन के और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस डी और ए के बर्थडे का जो होगा वह इक्वल होगा ए एंड ई के तो यहाँ पर हम डी माइनस ए इक्वल लिख देते हैं ए माइनस ई अब जैसा कि हमने सी के लिए कन्फर्म कर लिया है कि सी का जो बर्थ डे होगा वह हो जाएगा थ्री अब जी का बर्थडे बताया गया था 11 को और सी का बर्थडे इमीडिएट आफ्टर है जी के बट उस मंथ पे जो कि थर्टी डेज का है तो थर्टी डेज़ के हमने टू मंथ फाइंड किए थे तो अगर हम जी का बर्थडे जो है वह मार्च पे लेते हैं तो सी का बर्थडे जो होगा वह हो जाएगा अप्रैल पे और सी को हमने जब अप्रैल पे लिया तो बी का बर्थडे जो हो गया वह हो गया जून अब जिस पर्सन का बर्थ जो है वो मई मंथ में हुआ है वह एक और डेट को होगा और वह बी के बर्थडे के बिफोर होगा तो अगर हम बी का बर्थडे देखें तो ये ट्वेंटी सेवन है मीन्स ट्वेंटी सेवन के अगर हम बिफोर ऑड देखें तो यहाँ पर जो नंबर होगा वह हो जाएगा ट्वेंटी वन और ट्वेंटी थ्री अब बी और ई e के बिटवीन डिफरेंस जो बताया गया है वह थर्टी सिक्स से ग्रेटर बट थर्टी नाइन से लेसर बताया गया है इस अकॉर्डिंग ई e का जो बर्थ डेट हो जाएगा वह हो जाएगा ट्वेंटी वन एंड सी का बर्थडे हमने फाइंड कर रखा था ये हो गया थ्री और जी का हो गया इलेवन अब रिमेनिंग देखें तो रिमेनिंग है एफ और डी तो एफ को बताया गया था सी के आफ्टर मीन्स एफ की पोजीशन जो है वह सी के आफ्टर मीन्स बिलो होगी और एफ का बर्थडे जो है वह एक इवेंट पर हम एट लेते हैं तो जब हम एट लेंगे तो जो कंडीशन गिवन थी कि बी एंड एफ़ के बर्थडे का डिफरेंस जो है वह थर्टीन से लेसर होना चाहिए तो ट्वेंटी सेवन और एट के बिटवीन अगर हम डेट का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर ट्वेल्व डेज होंगे जो कि थर्टीन से लेसर है और नाइन से ग्रेटर है तो इस तरह से एफ़ का बर्थडे जो हो गया वह हो गया एट अब अगर हम गिवन पर्सन में देखें तो वनली डी रिमेनिंग है तो यहाँ पर हम डी कर देते हैं अब क्योंकि डी माइनस ए इक्वल टू था ए माइनस ई तो अगर हम ए की डेट देखें तो ए की डेट हमने फाइंड की है ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पे भी हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स और ई e की जो हमने डेट फाइंड की है वह फाइंड की है ट्वेंटी वन और यहाँ पर हो गया डी इस अकॉर्डिंग अगर हमें इनका डिफरेंस इक्वल करना है तो यहाँ पर 26 और 21 का डिफरेंस हो गया 5 तो अगर हम d पे इक्वल टू 31 लेंगे देन 31 वन माइनस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 तो इस अकॉर्डिंग d की जो बर्थ डेट हो जाएगी वह हो जाएगी 31 इस अकॉर्डिंग हमने सभी पर्सन के लिए मंथ और डेज को फाइंड कर लिया है अब क्वेश्चन में हम देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी मंथ्स गैप इन देयर बिटवीन द बर्थ डे मंथ्स ऑफ डी एंड ई मीन्स डी और ई e के बर्थडे मंथ में कितने मंथ का गैप है तो अगर हम देखें तो डी का जो बर्थडे मंथ है वह है जनवरी जबकि ई का जो मंथ है वह है मई तो जनवरी और मई के बिटवीन थ्री मंथ का गैप है अब हम देखते हैं किस ऑप्शन पे थ्री मंथ गिवन है तो ए ऑप्शन पे है टू मीन्स इनकरेक्ट बी ऑप्शन पे वन ये भी इनकरेक्ट सी ऑप्शन पे नन तो ये भी इनकरेक्ट डी ऑप्शन पे गिवन है थ्री तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थैंक यू क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर